नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत तीखे आक्रमण की, तीखे तेवरों की। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मुद्दों पर खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं। विशेषकर हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में सदन के भीतर उनको जवाब देना पड़ा हो किसी चर्चा का या किसी आक्रमण का, वो एक अलग बात है, लेकिन जनसभाओं में या वैसे अडानी को, अंबानी को, उद्योगपतियों को लेकर के राहुल गांधी जो इधर उधर की लगातार करते रहे हैं, यहाँ तक के रफेल वगैरह पर भी एक मुहिम जरूर चला दी थी उन्होंने कि मैं भी चौकीदार करके, लेकिन आमतौर पर वो इन सब चीजों के वैसे जवाब नहीं देते हैं। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है और बहुत खुलकर के कहा है। इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर अडानी अंबानी को लेकर के इतना तीखा हमला क्यों बोला है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों के लिए आमतौर पर जाने नहीं जाते हैं, और वो तो इसके लिए भी नहीं जाने जाते हैं जो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो लोग हमारे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी चेतावनी दे दी है कि 4 जून तक है ये जो कुछ चल रहा है, 4 जून के बाद ना उनकी हिम्मत होगी, ना उनकी हैसियत होगी, ना उनके पास हौसला होगा। और इशारों इशारों में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका मतलब ये है कि 4 जून के बाद कुछ लोगों के तो अंधेरे शुरू होने ही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे आज के इस कार्यक्रम में हम लोग इन मुद्दों पर तो बात करेंगे ही जो मैंने अभी आपको कहा है, इसके अलावा जरा कांग्रेस की हैसियत भी देखने की कोशिश करेंगे कि देश में उसकी हैसियत बची कितनी है। तो सीधे जोड़ लेते हैं अपने साथ अनुपम मिश्रा जी को। अनुपम जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। अनुपम जी, आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को प्रधानमंत्री का एक वो इंटरव्यू का हिस्सा भी सुनवा ही देता हूँ जिस पर मैं आना चाहता हूँ आपके साथ चर्चा में। इन दोनों मुद्दों पर फिर मैं आपकी राय लूंगा। ये हम सुन लेते हैं नाविका के साथ और सुशांत सिन्हा के साथ जो उन्होंने कहा था, एक पार्ट है ये, जरा सुन लीजिए। मुझे लगता है कि
ये विरोध की जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून थी। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का समर्थन, मेरे देश के लोकतंत्र का समर्थन। और ये जो भी है देख रहा हूं, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। वो अपना ओपिनियन नहीं दे, अपना कमेंट नहीं कर, वो इन्फ्लुएंस कर कि जब दीपक बुझने को मिले ये जो इनकी छटपटाहट है, इनको अंधेरों में जाना ही जाना है। अनुपम जी, दोनों बयानों को आप किस तरीके से ले रहे हैं, इनके मतलब क्या हैं? अडानी अंबानी का नाम लेकर के उन्होंने राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे डाली है, उन पर एक तरीके से बहुत तीखा हमला भी बोला है, आमतौर पर वो इसके लिए जाने नहीं जाते हैं। देखें, प्रधानमंत्री ने पहले भी एनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, वो तमाम लोग जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इनको बहुत पछताना पड़ेगा। इन लोगों ने झूठा जो एक बवकाल खड़ा किया है, इनको बहुत पछताना पड़ेगा। अभी तक तो हमने नरेंद्र मोदी साहब को इस तरह सीधे सीधे हवाई फायरिंग करते नहीं देखे कि किसी कहें बहुत पछताना पड़ेगा और उनके पास कुछ ना हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें अब सामने आएंगी जो चौंकाने वाली होंगी। और जब से उन्होंने देखिए ये भी कहा कि 5 साल तक अडानी अंबानी कहने वाले लोग एकदम से अडानी अंबानी पे खामोश हो गए। अच्छा, इसी दौरान धड़ाधड़ पैसे भी निकल रहे हैं, कहीं कहीं से पैसे निकल रहे हैं, कहीं साहू साहब के यहाँ से पैसे निकल रहे हैं ट्रक भर भर के, कहीं छत्तीसगढ़ से यहाँ से निकले नौकरों के यहाँ से पैसे निकल रहे हैं। हर जगह ये इतना लंबा लंबा कैश रिकवर, 1 लाख करोड़ रुपया कैश लोग रिकवर कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आप इसको मान के चले कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी लगातार वादा करते आए हैं कि मेरे तीसरे टर्म क्या अच्छा, देखिए भाजपा वाले ये भी बताते हैं कि वो उनको फुर्सत मिलती है तो बैठ के बताते रहते हैं कि सरकार बनती क्या, मतलब वो बड़ा कॉन्फिडेंट है उनकी सरकार बन रही है। और अभी तक जो रुझान है उनसे भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार वापस आ रहे हैं, ऐसा करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद इकलौते आदमी होंगे और कुटुंब व्यवस्था लौटेंगे। तो मान के आप चलें कि इन सब चीजों पर कार्रवाई होगी। और इस बार नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरह की बातें की, जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को खुला एड्रेस कहा, तो भाई कब तक बंधुआ रहोगे, कब तक बंधुआ, और उन्होंने अपने मुंह से कहा कि आज जीवन में पहली बार मैं मुस्लिम समाज को इस तरह आप संबोधित कर रहा हूँ। चीजें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि साहब अब आपको तय करना है कि ये देश रामराज से चलेगा या वोट जिहाद से चलेगा, जिसको मैं कहता हूँ कि मोदी का कहने का तरीका है कि ये यहाँ पे रामलला की चलेगी कि सुभान अल्लाह की चलेगी। तो उनका 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 इतना, अब देखिए थोड़ा बहुत चुनाव प्रचार में ये सब हमेशा होता था, लेकिन इस बार जो मोदी साहब का एक तीखापन है वो कहीं ना कहीं एक, जैसे वैसे तो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बदतमीजी बर्दाश्त करने की आदत हो गई है और वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। हमने देखा कि ममता बनर्जी के बारे में एक मीम बनता है तो ममता बनर्जी मुकदमा लिखा देती हैं, जब वही मुकदमा वही मीम नरेंद्र मोदी के लिए बनता है तो उसी मीम को रीट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि अपने को नाश्ता देखना किसी नहीं पसंद है इस चुनावी मौसम की सरगर्मी में, जो राहत देने के लिए धन्यवाद। तो वो तो उनका इस तरह का वो है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको समझ में ये भी आ गया है नरेंद्र मोदी को कि साहब अगर कोई आदमी लगातार झूठ चिल्लाएगा और आप उसका प्रतिवाद नहीं करेंगे तो फिर एक दिन झूठ ही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 4 जून को सत्ता में आप उनको देखते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि जून नहीं कंप्लीट होगा कोई बड़ी कार्रवाई। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और मुझे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। मुझे तो मैंने मोदी साहब को देखा है, पढ़ा है, रीड किया है, मुझे उनकी वो बात नहीं भूलती जब उन्होंने नादिका कुमार से कहा था कि वो तमाम लोग जो इलेक्टोरल बोर्ड पे झूठा हल्ला मचा रहे हैं उनको बहुत पछताना पड़ेगा। नादिका जी याद देख लीजिए, मैंने तो आज तक नरेंद्र मोदी को ऐसी कोई धमकी देते नहीं देखा जिसको उन्होंने पूरा ना कर दिखाया, और जबकि वो धमकी देते ही नहीं जल्दी, वो तो धमकी देते ही नहीं जल्दी देते नहीं है, वो करते हैं, वो कहते नहीं हैं, वो करते हैं और ठंडा करके खाते हैं। हमने कई मामलों में देखा है ये प्रधानमंत्री का स्वभाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कुछ ताकतें देश के बाहर भी और देश के भीतर भी वो तो पहचानी हुई हैं जो ताकतें और नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है लगातार पूरी दुनिया
इस चुनाव को प्रभावित करना। आपको क्या लग रहा है कि वो वैक्सीन वाला मुकदमा 2020 से 4 साल बाद ऐसे हवा में समय पैदा हो, एकदम हवा में सारे काम हो गए, वो कंपनी एकदम रातों रात एकदम चुनाव के बीचों बीच भी अपनी दवाएं पूरी दुनिया से वापस ले रही है? आपको क्या लगता है कि आप मतलब पाकिस्तानी बेवकूफ है जो खुल के बकायदा फवाद चौधरी राहुल गांधी का प्रचार करने लगते हैं? उन मूर्खों से तो इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि चाइना किस तरह छुप के करता रहता है। आपने देखा कि किस तरह जस्टिन ट्रूडो लगातार कनाडा से इसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि शायद दुनिया का एक अखबार नहीं बचा, एक अखबार नहीं बचा। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया का अखबार देख रहा था तो उसमें ये कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मामला दिया था, और आप सोचिए, मैं भी आपको भेज देता हूँ, आप इसको दिखा दें अपने दर्शकों को। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की बात थी और हेडिंग में मोदी का नाम छपा, मोदी साहब बलात्कारियों के साथ कैसे बचा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, उसी तरह। तो मतलब ऐसा एक अखबार नहीं बचा, एक ऐसा ग्लोबल पब्लिकेशन नहीं बचा जो हमारे चुनाव में दखलंदाजी करने के प्रयास ना कर रहा। आज एक सीन दिखाता हूं मैं, ये रांची का है साहब, झारखंड का, आपने देख लिया होगा निश्चित रूप से। नहीं सर, एक मिनट सर, टोक रहा हूं सर। आप देखें चीन का काम करने का तरीका, देखें हमारे चुनाव के बीचों बीच में, चूंकि वहां पे वो चीन के पिट्ठू वामपंथी प्रचंड इस समय हो गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, हमारे चुनाव के बीचों बीच में प्रचंड खबर जारी करते हैं कि हम तो एक नया नोट जारी कर रहे हैं जिसमें भारत के इलाकों को हम अपने इलाके में दिखाएं। अकल्पनीय, मतलब नेपाल, नेपाल से इस तरह की हरकत आ रही है हमारे चुनाव के बीच में। चीन काराकोरम में आजकल घुस रहा है हमारे चुनाव के बीच में। हमें भी मालूम प्रचंड किसके पिट्ठू, प्रचंड प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इतनी पुरानी परंपरा तोड़ी थी, वहां पे हर प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत दौरा करता था, प्रचंड ने पहली बार चीन का दौरा किया, और माओवादी पार्टी के लीडर भी है। मैं दिखा रहा था दर्शकों को एक रांची का छोटा सा क्लिप है, इसमें राहुल गांधी की एरोगेंसी का चरम देखिए। आपने पिछले दिनों कुछ वीडियो देखे होंगे, एक वीडियो था जिसमें योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं और वो पीछे से घूम करके माइक पर जाते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री ने इस चीज को नोटिस किया। एक दूसरी सभा में दूसरे दिन जब योगी इसी तरीके से पीछे को जाने लगे तो प्रधानमंत्री ने उनकी बाह थाम ली और कहा कि नहीं, आप इधर से ही जाइए, मेरे सामने से ही होकर के गुजरिए। और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी इसी तरीके से उन्होंने थाम लिया था और अपने सामने से ही जाने की सलाह दी थी। राहुल गांधी का जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए साहब, देखिए। आप लोग सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दीजिए, सारे लोग हाथ जोड़ के। इसको एक बार फिर देखिए, शुरू से देखिए जरा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, उनके लिए जैसी मुख्यमंत्री की कुर्सी होनी चाहिए वैसी लगाई गई है। राहुल गांधी उनके सामने से निकलने के लिए उनको खड़ा होने की इशारे कर रहे हैं, और वो जब खड़ा होते हैं उन्हें जगह देने के लिए तो राहुल गांधी एक करीब करीब धकेल करके उनको अलग कर देते हैं। एक चीफ मिनिस्टर के साथ किस तरह का बिहेव इन्होंने किया है जरा देखिए ध्यान से। हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आप लोग सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दीजिए, सारे लोग हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आप लोग सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दीजिए। अनुपम जी, ये जो एरोगेंसी हमें दिखाई दे रही है इनमें, ये किस चीज की एरोगेंसी है? इनके पल्ले में है क्या इस समय? उनके पल्ले में साहब 70 साल का राजपाट है जो उनके दिमाग पे है, उनके जहन में है, उनके दिल में है। कोई पहली बात, ये तो बहुत छोटी सी घटना है सर। आप कांग्रेसियों से बात करिए, मेरे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके मेंबर्स हमको मिले, उन्होंने कहा था हमको जाते हैं, हमको गैराज में बैठा देते हैं। अब एकदम जिस तरह इन्होंने पार्टी का जो हाल किया है, दिमाग, आपको मालूम है कांग्रेस प्रेसिडेंट का एक औसत टेन्योर क्या हुआ करता था? 1.5 साल। सोनिया गांधी 24 साल से काबिज, बीच में कुछ 2 साल राजीव गांधी रहे, वरना 24 साल से काबिज। तो ऐसे करके अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए इधर, उनका एक एरोगेंस है सबसे है कि वही एरोगेंस है जहाँ पे आप कुत्ते के खाने की बिस्कुट मुख्यमंत्री को देते हैं, ये वही एरोगेंस है जिसमें सीताराम केसरी जैसे आदमी को बाथरूम में बंद कर दिया जाता है,
ये वही एरोगेंस है जिसमें नरसिम्हा राव के मरने के बाद उनकी बॉडी को बॉडी इतनी देर तक खड़ी रही, कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने गेट नहीं खोला गया। ये वही एरोगेंस है जिसमें अच्छा देखिए बहुत होता भी था ये सब कांग्रेसियों क्या ये बड़ा कल्चर है चप्पल उठाना पैर छू लेना सब ये सब बहुत ज्यादा इनका एक कल्चर है और दिमाग खराब है क्या कहा जाए उसमें कोई अच्छा ये कोई नई बात नहीं है तो साहब उन्होंने एक छोटा सा धक्का दिया है आप ये तो जब कभी अच्छा जब इनके ऊपर बहुत ढेर सारा इनका क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने बीच में एक्टिंग करना शुरू कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे को गाड़ी तक छोड़ने जाने लगे उनको अपनी गाड़ी में बैठाने लगे उनका हाथ पकड़ने लगे उनको पानी पूछने लगे वगैरह वगैरह बाकी तो एरोगेंस का ये हाल है कि अभी आपको याद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें कह रहे थे कि साहब हमको अध्यक्ष बना के बैठा दिया राहुल प्रियंका आते हैं तो हमको धक्का मार के किनारे कर देते। यस तो वही मतलब ये वही एरोगेंस है जिसमें 15 इनके एक दो नहीं सा 15 मुख्यमंत्री भाजपा में जा चुके हैं। ये वही एरोगेंस है जिसके चलते उनके बड़े से बड़े नेता इनको छोड़ के भाग रहे हैं पर एक दिमाग है वो। और मैं अभी बीच में एक वीडियो जारी हुआ था मैं देख रहा था उसमें ही अपने थिंक टैंक के साथ बैठे हुए राहुल गांधी और सब लोग कह रहे हैं कि साहब पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि अगर मोदी कोई हरा सकता है तो आप, और राहुल गांधी ऐसे खुशी से झूम रहे हैं। तो अब मतलब क्या कहा जाए वो अब वो आपको अगर इन लोगों की बातें अपील कर रही है तो फिर क्या किया जाए कैसे कहा जाए अब उनकी एरोगेंस है और ये वही एरोगेंस है। देखिए इनको भी एक मुझे याद है कि इनको भी जवाब देने वाला वैसे एक आदमी चाहिए मुलायम सिंह यादव इनको जवाब दिया करते थे सोनिया गांधी जी भिड़ गए थे किसी खड़े होकर आप धमकी दे रहे बोले हाँ धमकी दे रहे हैं बोलो मैं धमकी देता नहीं हूँ लेकिन दे रहा हूँ पूरी भी कर दूंगा संसद में। तो इनको एक्चुअली लेकिन जहां मात ये खा रहे हैं कहाँ मात खा रहे हैं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा समझ लिया जो एक वोट से गिर जाती थी। ये समझ नहीं पाई ये मोदी और शाह की भाजपा है ये वहां भी सरकार बनाती जहां हार जाती। तो ये ठीक है आपकी अपनी एरोगेंस है आप कायम रखिए लेकिन नुकसान इससे आप ही को हो रहा है लगातार आपको हो रहा है। अभी दो वीडियो आपने दिखा दिए एक मोदी है जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के कहते हैं साहब आगे जाइए एक राहुल गांधी है जो मुख्यमंत्री को खड़ा करते हैं और उसके बाद उसको भी धक्का देके किनारे कर देते हैं और एक नहीं इनके तो कितने वीडियो साथ कितने वीडियो आप एक मैं तो दावा करता हूँ आप याद है भी उन्होंने रोड शो के दौरान एक पत्रकार को पिटवा दिया था पहले पिटवा दिया फिर बोले पीटो मत। यस ओबीसी पत्रकार था वो तो मतलब ये इनकी हम मैं आज एक बात कहता हूँ अपने दर्शकों से कहता हूँ जैसे कभी राहुल गांधी का कोई रोड शो हो रहा हो प्रियंका गांधी का कोई रोड शो हो रहा हो तो आप जरूर जाया करें जरूर जाया करें चिलचिलाती धूप में जाके देखा करें अगर आपने 5 मिनट भी देख लिया तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नजर आ जाएगा कि आप कहें ये क्या हो रहा है। ये वही एरोगेंस है जहां पे रोड शोज और बड़े बड़े मंचों पे प्रियंका गांधी अपने बच्चे भी लाने लगी हैं दोनों बच्चों को मंच पकड़ा कर दिया जाता है उनको महिलाएं पहनाई जाती है कमाल हो गया सर ना मतलब अभी तक नाबालिग थे और अभी भी बालिग हुए बच्चों को आप 18-18, 19-19 साल के बच्चों को आप मंच पे खड़ा करके बता रहे हैं कि देख लो ये तुम्हारे अगले माई बाप। प्रधानमंत्री का एक गुस्सा आज हमें एक दूसरे विषय पर भी देखने को मिला है अनुपम जी और ये तो बहुत ही गुस्सा उन्होंने जाहिर किया जिस तरीके से सैम पैट्रोडा ने कुछ टिप्पणियां की हैं। देश में ये शहजादे मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है मैं सहन कर लेता हूं लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जाए क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान
मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। क्या कहा था सैम पेट्रोडा ने? As diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. ये साहब कांग्रेस का भला कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ले जाने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं? इस्तीफा ले लिया साहब जिन्होंने आज सैम पित्रोदा से, सैम पित्रोदा जिनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, उससे आज साहब इस्तीफा ले लिया उन्होंने। उनका एक वीडियो और भी वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे हैं कि आईआईटी और आईआईएम्स में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे, उनके गुरु राजनीतिक गुरु कह रहे हैं कि आरक्षण ही समाप्त कर देंगे। तो बहरहाल उन्होंने इस्तीफा ले लिया। चाहिए पहली बार नहीं है, कई बार आपको उनका हुआ तो हुआ भी याद होगा और भी तमाम तरह का, मतलब वो तो जैसे इतने बड़े बयानवीर हैं, उनको हुआ क्या है मतलब समझ नहीं आता, वो कैसे बोलते रहते हैं। तो राहुल गांधी के पास वो एक टैलेंट है नायाब हीरे चुनके लाने का। बहरहाल जैसे राहुल है वैसे उनके गुरु हैं, वैसे उनके शिष्य हैं, वैसे उनकी टीम है। और सैम पित्रोदा मतलब एक्चुअली मैं आपको बहुत ईमानदारी की बात बताऊं, सैम पित्रोदा इतना मतलब आप उनको एकदम नॉनसेंस आदमी ना समझें, काफ़ी ठीक ठाक जहन के आदमी हैं। उनके साथ दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि फर्ज कीजिए कि मैं आपके बहुत नज़दीक हूँ साहब और आप प्रधानमंत्री हैं, मैंने 5-7 साल जम के मलाई खा ली, अब उसके बाद अब आप प्रधानमंत्री यहीं बन रहे हैं या फिर आप 10 साल के लिए आ गए, फिर मैंने 10 साल मलाई खाई, अब आप जब तक प्रधानमंत्री फिर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इतना पागल हो जाऊंगा। मतलब आप सोचिए ना, सैम पित्रोदा राजीव गांधी के साथ रहे, फिर इंदिरा राहुल गांधी के साथ रहे 10 साल यूपीए सरकार में, सब एकदम सब सिक्के चलते थे, आप समझिए सब मालिक हुआ करते थे भारत के, और एकदम से वो हाल हो गया कि जो लोग प्राइवेट प्लेन से आते थे और उनके लिए प्राइवेट कार्स एयरपोर्ट पे चलती थी, वो लोग अब एकदम से ये हालत में हो गया कि साहब वो आपको एयरपोर्ट में लाइन में लगे खड़े तलाशी देते नजर आते हैं। तो अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अच्छा खासा जो दिमाग होता है, एक इंटेलिजेंट दिमाग होता है, वो भी जब इतना ज्यादा स्वार्थ से लबरेज हो जाता है तो वो आए माए शाये बोलने लगता है। शाह साहब पित्रोदा पिछले कई साल से यही काम कर रहे हैं साहब, और सैम पित्रोदा ही नहीं तमाम लोग। अब जैसे आप मणिशंकर अय्यर को क्या समझते हैं? मणिशंकर अय्यर एक इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, अपने जमाने में आईएएस क्रैक किया था, आईएएस के टॉपर्स में से एक थे, जीएस आदमी है। उनके छोटे भाई, उनके बड़े भाई स्वामीनाथन अय्यर कमाल के अर्थशास्त्री, लेकिन साहब चूंकि उनको भाजपा कांग्रेस सरकार में वो नौकरी छोड़ के सांसद हो गए और सरकार चलाने की आदत हो गई, अब सरकार जारी साहब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इन लोग की हालत जल बिन मछली वाली हो गई। कभी देखा जब पानी के बिना मछली जैसे तड़पड़ाती तर 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 तर, तो उस तरह का उनका हालत हो गई है। अब उसमें इनको गुस्सा अंदर से इतना ज्यादा है कि साहब किस आदमी ने, नरेंद्र मोदी ने हमारा साहब ये मुकद्दर खराब कर दिया। ये मोदी को गाली देने लगते, भाजपा को गाली देने लगते, फिर कहता है साहब नरेंद्र मोदी क्या गलती, भाजपा को गाली दो, फिर कहते भाजपा क्या गलती था, भाजपा तो हिंदुत्व के सहारे हिंदुत्व को गाली दो, सनातन के नाम से सनातन गाली दो, राम मंदिर के साथ राम मंदिर। आज जो आप अभी वीडियो दिखा रहे थे इसमें नरे आगे चल के ये कहते हैं कि राम मंदिर और रामनवमी जैसी चीजें भारत में आजादी खत्म कर रही, फिर से सुने, राम मंदिर और रामनवमी जैसे चीजें भारत को गुलाम बना रही। अब आप सोचे ये इनकी कुंठा है सर, मतलब कोई भी औसत दिमाग का आदमी भी ऐसी बात नहीं करेगा। फिर मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा हो, अच्छे पढ़े लिखे जहीन लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन चाहे चूंकि कुंठा इतनी ज्यादा आ गई कि कुछ भी इनसे बोलवा। अनुपम जी आखिर में एक और विषय पर बात कर ले हैं, तो कांग्रेस का ही ये विषय भी। मैं चेक कर रहा था आंकड़े 2019 के, 18 राज्य हैं जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आंध्र प्रदेश में 0 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 0, गुजरात में 0, हरियाणा में 0, हिमाचल में 0, जम्मू कश्मीर में 0, उत्तराखंड में 0, दिल्ली में 0, मणिपुर में 0, मिजोरम में 0, नागालैंड में 0, राजस्थान में 0, सिक्किम में 0,
त्रिपुरा में 0, चंडीगढ़ में 0, दादर नगर हवेली में 0, दमन दीव में 0, लक्षद्वीप में 0, और इनमें 18 राज्यों में सीटें कितनी हैं लोकसभा की? 120। यानी 120 सीटों वाले 18 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। अच्छा, फिर मैं देख रहा था कि साहब जरा ये देख लें कि 40, ये 50% से अधिक कहीं वोट शेयर मिला था क्या कांग्रेस को? क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े देख रहा था तो वहां तो साफ 50% से ऊपर वाले बहुत सारे राज्य हैं, मतलब जहां 50% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला, अरुणाचल है, गोवा है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, और 60% से ज्यादा के भी 3 स्टेट उनके पास हैं, गुजरात है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, 40% से ऊपर जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। तो भारतीय जनता सर आप ही के बात में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 303 सीट जीती भारतीय जनता पार्टी में 2019 में, 303। उन 303 सीटों में 224 सीट पे 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा वोट शेयर। यस, 303 में से 224, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें जीती उसकी 75% सीटें 50% या उससे ज्यादा से, और कांग्रेस के पास एक सीट 50% से ज्यादा वोट शेयर वाली। आप सोचिए, यहां 303 में से 224। ममता बनर्जी जो कह रही थी आपको लगता है कि 2024 में ये 40 की संख्या भी नहीं पकड़ेंगे, जैसे इनके कर्म हैं, जैसे इनके बयान आ रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन इस समय क्रिएट हो गई है? अब देखें साहब, बात को समझें, इतनी जबरदस्त इमरजेंसी रही, उसके बाद इंदिरा गांधी लौट आई, तो इस जनता के मूड के मिजाज का मैं साहब क्या गारंटी लूं। लेकिन आज मुझसे तमाम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरह बाकायदा छेनी हथौड़ी लेके देश को तोड़ने में लगे हैं, सीट जीतना तो दूर की बात है, एक रात तो बड़ी गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए सर। बाकी तो अपना मुकद्दर है, पब्लिक का अपना मिजाज है, और एक बात और सोचें, कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि 10 साल में क्या काम हुआ है? कौन नहीं जानता, विपक्षी भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वोट प्रतिशत इतना ज्यादा नहीं है, उसके बाद भी अगर लोग वोट डालने के लिए छोड़ के घूमने जा रहे हैं, अगर वोट डालना छोड़ के घर बैठे हैं, तो एक बात समझ लें आप, उत्तर प्रदेश में कल वोटिंग हुई, हाईएस्ट वोटिंग कहाँ हुई? संभल में हुई। संभल का जो वहां पर चूंकि मुस्लिम परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो जो मुस्लिम है सबसे ज्यादा वहां वोटिंग हुई। तो कौन लोग वोट डाल रहे हैं और कौन लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, किसकी वजह से वोट प्रतिशत गिर गया है, ये सब लोग जानते हैं। तो मेरा एक, जिसलिए मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, ये साहब हमारा अपना एक मिजाज है, हम बहुत जल्दी आश्वस्त हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, अरे जीत तो रहा है यार, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो बाकी इसकी बात तो मैं नहीं करता साहब, लेकिन बड़ी ईमानदारी से, ना नरेंद्र मोदी मेरी जाति के हैं, ना मेरे स्टेट के हैं, ना मुझे कुछ दे देते हैं। एक मेरा ले दे के सब एक PIB कार्ड था जो मुझे कांग्रेस गवर्नमेंट में मिला था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, आप जानते होंगे सर, ये लोग नहीं जानते, हो सकता है पब्लिक में इतना लोग ना जानते, पर आप तो जानते हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। मोदी सरकार ने वो भी कैंसिल कर रखा है साहब, मोदी सरकार में वो भी कैंसिल हो गया, मुझे तो सब कुछ मिलता नहीं इनसे। लेकिन पूरी ईमानदारी से हलफ उठा के कह रहा हूं कि कुछ ना मिलते हुए भी मैं समझ रहा हूं कि देश के लिए कितना बड़ा काम हो रहा है। अब ऐसे में भी अगर 4 आदमी खड़े होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं तो फिर साहब क्या ही कहा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आपने इतना समय निकाला और OCN नेटवर्क के लिए कई विषयों पर चर्चा। नमस्कार।